बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का पहले तो आपको पता है कि ये चैप्टर वैसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिक्योरिटी वाला, और इसके अंदर इंक्रिप्शन वाला टॉपिक जो है नहायत ही इंटरेस्टिंग है। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंक्रिप्शन का। अगर समझ आ जाए आप लोगों को अच्छे तरीके से और समझाने वाला टीचर भी अच्छा हो तो ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता, मुश्किल नहीं लगता। कई बच्चों के लिए ये टॉपिक मुश्किल बना होता है, उन्होंने समझा नहीं होता सही तरह से। तो सही तरह से समझें इसको, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा समझ आएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने इंक्रिप्शन को स्टार्ट किया था कि इंक्रिप्शन होती क्या है, इसके बारे में हमने बात की थी। वो लेक्चर सुनना बड़ा ज़रूरी है अगर आपने अगले 2-3 लेक्चर्स को समझना है। तो मैंने आपको बताया था एक कम्प्लीट टॉपिक है बुक में, आर्टिकल नंबर 4.3 है ये, ठीक है। तो ये चलेगा, 2-3 लेक्चर इसके ऊपर लगेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी समझ आ जाएगी। लेकिन बेशर्त ये कि जो लास्ट लेक्चर था 4.3 जो था आर्टिकल हमारा सिंपल इंक्रिप्शन वाला, वो आपने देखा हो। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक ऐड कर दिया हुआ। इसके अलावा यहाँ पे सजेशन में आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें, पहले वो लेक्चर सुने, छोटा सा लेक्चर है, और उसके बाद फिर इस लेक्चर की आपको अच्छी समझ आएगी। एग्जांपल्स भी बड़ी मैंने आपको इजी दी हुई हैं तो इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, और कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको पूरी बुक के नोट्स चाहिए जो कि नहायत ही ईजी वर्डिंग में, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्टिविटीज़ भी सॉल्व की हुई हैं, एक्सरसाइजेस भी सॉल्व हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर नंबर चल रहा है इस पर मुझे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि आपकी फुल फ्लैज तैयारी हो जाए। लेक्चर्स तो आपको मिल ही रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाहिर सी बात है। लेक्चर्स पूरे के पूरे यूट्यूब के ऊपर मेरे प्ले लिस्ट भी मौजूद है, सारे लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। वहाँ से अगर आप लेक्चर सारे सुन लें, साथ नोट्स से तैयारी कर लें, तो पूरे पूरे मार्क्स आने की आपकी इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूं। अगर आप हर चीज अच्छी तरह से तैयार करें तो कोई चीज छोड़े ना, उसमें से लेक्चर अच्छी तरह से अटेंड करें एक तरतीब में। ज़्यादा लेक्चर्स भी नहीं, अगर आप 2 माह लगाएं, 2 माह में कंप्यूटर की फुल फ्लैज तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मेहनत की ज़रूरत है, आपकी तरफ से मेहनत की ज़रूरत है, मैं तो कर ही रहा हूँ। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 4.3 मैंने कहा था ना हमने स्टार्ट किया, ये उसका आगे से उसकी सब हेडिंग है, ठीक है, उसका सब टॉपिक है 4.3.1। इसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंक्रिप्शन की क्या अहमियत है, ये इस लाइन का मतलब है। यानी इंक्रिप्शन के बारे में तो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा डाटा जो है वो अनरीडेबल फॉर्म में इनकोड हो जाता है। लाइक मैंने हेलो लिखा, इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी पहले कि फॉर एग्जांपल हेलो मैसेज मैंने लिखना है तो वो जब इनक्रिप्ट होगा तो वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से, तो इससे के अंदर जो ओरिजिनल एक्चुअल मैसेज है जिसे हमने प्लेन टेक्स्ट कहा था वो इसके अंदर छुपा हुआ है, जो कि HELLO ये ओरिजिनल मैसेज है। बहरहाल इसकी इंक्रिप्शन जो है उसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था कि इंक्रिप्शन जो है इसका मतलब होता है डेटे को इनकोड कर देना अनरीडेबल फॉर्मेट में। अच्छा, हम ऐसा क्यों करते हैं, इसकी जो है ना वो वजूहात हैं, 3 वजूहात उसने यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिनमें से पहली वो कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स, हैकर्स से हम अपने डाटे की प्रोटेक्शन कर सकें। क्योंकि देखें, ऑनलाइन में आज मैंने आपको पहले भी बताया था, बुक में वाले ने भी बार बार लिखा हुआ कि भाई आज के दौर में ऑनलाइन हम अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, डाटा एक्सचेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अपनी पिक्चर्स होती हैं, हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है जो हम टेक्स्ट लिख कर भेजते हैं, तो बहुत से लोगों की प्राइवेसी होती है और हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा जो है वो हैकर जो है वो हमारे डाटे को ना देखे। तो जब हमारा डाटा ऑनलाइन चला जाएगा तो फिर बहुत सारे इश्यूज खड़े होते हैं, जो हमने एथिकल इश्यूज पढ़े थे इस चैप्टर के बिल्कुल शुरू में, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बड़ी तफसील के साथ मैंने पढ़ाया था, तो वो वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो भी अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देखें। तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से एथिकल इश्यूज हो सकते हैं, लोग कौन कौन से क्राइम करते हैं, किस किस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन चुराते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो अब जब ऐसा हो रहा है तो अपना जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो उसकी इंक्रिप्शन की जाती है, जो कि बड़ी ज़रूरी है। क्यों की जाती है, ताकि हम हैकर से उसको प्रोटेक्ट कर सकें, उसकी हिफाजत कर सकें हैकर से। हैकर कौन होता है, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वो पर्सन जो कंप्यूटर का एक्सपर्ट होता है और अपनी एक्सपर्टीज को यूज़ करते हुए वो हमारे डाटे को चुरा लेता है। मतलब एक बंदा है सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर को, तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान में एक बंदा हैकर बैठा हुआ है जो कि इनके मैसेज को हैक कर लेता है और पढ़ लेता है, या तो वो अपने किसी मफाज के लिए उसको इस्तेमाल करता है या फिर
उस मैसेज में चेंजिंग करके रिसीवर को भेज देता है जो इसने भेजा भी नहीं था। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी मैंने पीछे दी थी, लाइक अगर ये अपना अच्छा हैकर सिर्फ इंफॉर्मेशन चुराते ही नहीं है, वो उसके अंदर कोई चेंजिंग करके आगे भेज सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे इसने इससे पैसे मंगवाने थे, अपना अकाउंट नंबर भेजा, तो हैकर ने दरमियान में मैसेज चुराया और अपना अकाउंट नंबर लगा के आगे भेज दिया, तो पैसे इसको पहुँचने के बजाय रिसीवर जो पैसे भेजेगा वो इसको चले जाएंगे। इस तरह की एग्जाम्पल मैंने पहले भी दी थी। तो एक तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ताकि हम हैकर से डाटा को बचा सकें। तो जब डाटा इनक्रिप्ट हुआ होगा, इस हालत में होगा कि वो अनरीडेबल फॉर्मेट में है, तो इसको पता नहीं लगेगा मैसेज क्या भेजा, तो चेंजिंग क्या करेगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये है, इनक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी। इनक्रिप्शन जो है वो हमारी प्राइवेसी की हिफाजत करती है। कोई ऐसा मैसेज जो बड़ा प्राइवेट मैसेज है और ऐसा है कि हम नहीं चाहते कि कोई थर्ड पार्टी पढ़े, ये थर्ड पार्टी है ना, कोई थर्ड पार्टी पढ़े हम नहीं चाहते, और ज़रूरी नहीं है कि हैकर हो, वो कोई थर्ड पार्टी, वो कंप्यूटर भी हो सकता है जो दरमियान में मौजूद है। कई दफ़ा इंटरनेट जब हम नेटवर्क बनाते हैं, ये जो पिछला चैप्टर था हमारा नेटवर्क का, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कई दफ़ा नेटवर्क इस तरह से बना होता है कि दरमियान में एक सर्वर कंप्यूटर मौजूद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लाइंट है और ये भी क्लाइंट है, और दरमियान में सर्वर कंप्यूटर मौजूद है, तो डाटा इससे होके जाना है, डाटा तो सर्वर से होके जाना है। अब सर्वर पे जो बंदा बैठा है वो हैकर तो नहीं है, लेकिन चूंकि डाटा यहाँ से होके जा रहा है, इसका मैसेज यहाँ से होके फिर इसके पास जाता है। जैसे हम अपने मोबाइल कंपनीज, जब हम अपना मैसेज भेजते हैं तो हमारी जो मोबाइल कंपनीज होती हैं, जैसे टेलीनोर है, वारिद है, यूफोन है, जैज़ है, जोंग है, इनके पास से मैसेज हमारा होके जाता है, इनके पास सेव होता है। तो हम ये भी चाहते हैं, कई दफ़ा हमारा मैसेज प्राइवेट होता है, पर्सनल होता है, तो हम ये भी चाहते हैं कि कोई यहाँ पर जो बंदा बैठा है वो भी ना पढ़ सके। हालांकि ये हैकर तो नहीं है, लेकिन इसके पास से मैसेज होके जा रहा है, तो अगर ये उसे देख लेगा तो ये भी पढ़ लेगा, तो हमारी जो प्राइवेसी है वो खराब हो जाएगी। तो मैसेज ऐसा है कि मैं नहीं चाहता कोई पढ़े, तो फिर उसको इनक्रिप्ट अगर मैं कर दूंगा तो वो फिर ये बंदा पढ़ भी नहीं सकेगा उसको, तो हमारी प्राइवेसी भी बरकरार रहेगी इनक्रिप्शन करने से। और तीसरी चीज़ ये है, इनक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा क्रॉस डिवाइसेस। इससे ये होता है कि जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, तो जब इस डिवाइस से उस डिवाइस तक डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो इनक्रिप्शन की वजह से हमारा डाटा जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। जब इस डिवाइस से इस डिवाइस में डाटा जाना है तो सेफ एंड साउंड पहुँचे, तो एक डिवाइस से जब दूसरे डिवाइस में डाटा जा रहा है तो इनक्रिप्शन जो है उस प्राइवेसी को भी बचा लेती है। ठीक है, मतलब कोई पढ़ ही नहीं सकता उस मैसेज को सिवाय उस बंदे के जिसको मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा मैसेज चूँकि मेरी डिवाइस से निकलकर उसकी डिवाइस के अंदर जा रहा है, तो वो बड़ी एहतियात के साथ और पूरी प्रोटेक्शन के साथ वहाँ पे पहुँचे, एक ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इनक्रिप्शन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो करना बड़ी ज़रूरी है, और इनक्रिप्शन करने से ये हमें ये इनक्रिप्शन की ये अहमियत है कि ये तीन चीज़ें हम चाहते हैं, ये हमें उसके बेनिफिट्स मिलते हैं इनक्रिप्शन के। आप भी अपनी मर्ज़ी से इनक्रिप्शन कर सकते हैं, इसका रूल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप अपनी मर्ज़ी से कोई रूल बना सकते हैं, मैंने खुद से एक रूल बना के आपको एग्जाम्पल दी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में दो हमारे पास मेथड्स हैं इनक्रिप्शन करने के, जो कि स्टैंडर्ड मेथड्स हैं और हम उसके मुताबिक भी कर सकते हैं, हम खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन वो दो मेथड्स हैं जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग है, उनको देखिएगा। और फिर बुक वाले ने जो है वो एक्टिविटी के अंदर टास्क भी दिया हुआ आपको कि उसके हिसाब से इनक्रिप्ट करें। तो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट आप तब कर सकेंगे जब आपने टॉपिक समझा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपने लाजमी देखनी है ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये समझ आ सके, और ये एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन भी, और बड़ा ये हमें इसमें से MCQs भी बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, दिलचस्पी लेकर जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, और नहायत ही आसान भी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।